अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के प्रोज में इंटर में पूछे जाने वाले चैप्टर नंबर 4 द होम कमिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पूर्व की सारी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और सुनिश्चित कर लिया होगा। आज इस चैप्टर को अपनी तैयारी में जोड़कर अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए और सुनिश्चित हो जाएं। बिना समय गवाए चलते हैं आज के इन शॉर्ट क्वेश्चनों को समझने के लिए। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 द होम कमिंग। देखते हैं मित्रों इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन, हु वॉज फटिक चक्रवर्ती, फटिक चक्रवर्ती कौन था, वॉट टाइप ऑफ बॉय ही वॉज, वह किस प्रकार का लड़का था। आंसर है मित्रों, फटिक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर ऑफ हिज कंपेनियंस। फटिक चक्रवर्ती अपने दोस्तों का रिंग लीडर यानी मुखिया था। ही वॉज द नॉटी बॉय, वह शरारती लड़का था। बट ही डिड नॉट टेल ए लाई, लेकिन वह झूठ नहीं बोलता था। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट इज द ओनली पैराडाइज फॉर अ बॉय ऑफ 14। मित्रों काफी महत्वपूर्ण है, जरूर तैयार कीजिएगा। 14 वर्ष के लड़के के लिए एकमात्र स्वर्ग जैसी जगह क्या होती है, यानी उसके लिए सबसे अच्छा सुरक्षित स्थान कौन सा होता है। हिज ओन हाउस इज द ओनली पैराडाइज फॉर अ बॉय ऑफ 14। उसका अपना घर ही केवल 14 वर्षीय बालक के लिए एकमात्र स्वर्ग जैसी शांतिपूर्ण जगह होता है। बिकॉज, क्योंकि ओनली पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, क्योंकि केवल उसके माता पिता ही उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वॉट डिड फटिक स्टार्ट टू लॉन्ग फॉर इन कैलकटा। कैलकटा में फटिक किस चीज के लिए व्याकुल रहना आरंभ हो गया। लॉन्ग का मतलब व्याकुल होना। इन कैलकटा फटिक स्टार्टेड टू फील सफोकेशन। कैलकटा में फटिक ने सफोकेशन माने दम घुटना, दम घुटना जैसा महसूस करना आरंभ किया। बिकॉज ही वॉज लॉन्गिंग फॉर हिज फ्रेंड, क्योंकि वह अपने मित्रों के लिए व्याकुल हो रहा था, मदर के लिए माँ के लिए व्याकुल हो रहा था, एंड गेम्स विद देम, और उन बालकों के साथ खेले जाने वाले खेलों के प्रति व्याकुल हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द कंडीशन ऑफ फटिक बिकम एब्जेक्टली मिजरेबल। एब्जेक्टली मतलब है घृणित रूप से, मिजरेबल का मतलब है दयनीय, यानी फटिक की दशा घृणित रूप से दयनीय कैसे हो गई। तो मित्रों जवाब है, फटिक हैड लॉस्ट हिज बुक एंड विदाउट बुक इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू प्रिपेयर हिज लेसन्स। फटिक अपनी किताब को खो चुका था और बिना किताब के यह उसके लिए असंभव था कि वह अपने पाठ को याद कर पाए। सो फटिक्स कंडीशन बिकेम एब्जेक्टली मिजरेबल, इसीलिए फटिक की दशा घृणित रूप से दयनीय हो गई। अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड बिसंबर सीक द हेल्प ऑफ पुलिस एट लास्ट। अंत में बिसंबर ने पुलिस की सहायता क्यों मांगी, क्यों खोजी। सीख माने खोजना भी होता है। बिसंबर सर्च्ड फटिक एवरीवेयर इन नेबर। बिसंबर ने अपने पड़ोस में प्रत्येक स्थान पर फटिक को खोजा। बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वह उसे नहीं मिल सका। सो एट लास्ट ही सीक्ड हेल्प ऑफ पुलिस, इसीलिए अंत में उसने पुलिस की मदद मांगी या खोजी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड बिसंबर्स वाइफ से व्हेन द पुलिस ब्रॉट फटिक होम। बिसंबर की पत्नी ने क्या कहा जब पुलिस फटिक को घर वापस लेकर आई। मित्रों जवाब है, व्हेन द पुलिस ब्रॉट फटिक होम, जब पुलिस फटिक को वापस घर लाई, बिसंबर्स वाइफ सेड, बिसंबर की पत्नी ने कहा, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस, कि किस प्रकार समस्याओं के गट्ठर को, समस्याओं के ढेर को इस लड़के ने हमें दे दिया है।
हैड नॉट यू बेटर सेंड हिम होम, क्या अच्छा नहीं होगा तुम इसे वापस इसके घर भेज दो। मित्रों क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड फटिक मटर। मित्रों ये मटर और अटर लगभग एक जैसे शब्द हैं। मटर बड़बड़ाने के लिए आता है और अटर कहने के लिए आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्हेन ही वाज अनकॉन्शियस माने बेहोश या अचेत, जब वह यानी फटिक अचेत यानी बेहोश अवस्था में था तो फटिक क्या बड़बड़ाया। व्हेन फटिक वाज अनकॉन्शियस ही मटर्ड, जब फटिक बेहोश था वह बड़बड़ाया, मदर डोंट बीट मी लाइक दैट, माँ मुझे उस तरह मत मारो, मदर आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूं। अगला प्रश्न, व्हाई डिड बिसंबर सेंड फॉर हिज सिस्टर, बिसंबर ने अपनी बहन को क्यों बुलवाया। बिसंबर हैड अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ फटिक, बिसंबर ने फटिक की भावनाओं को समझ लिया था, सो ही सेंड फॉर हिज सिस्टर, इसीलिए उसने अपनी बहन को बुलवाया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड फटिक से विदाउट सीइंग एनीबॉडी, फटिक ने बिना किसी को देखे क्या कहा। विदाउट सीइंग एनीबॉडी, बिना किसी को देखे फटिक सेड, फटिक ने कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियां आ चुकी हैं या आ गई हैं। मित्रों मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाए गए सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हितकारी हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा ये निवेदन है कि इस वीडियो को उन सभी तक शेयर करें जिनके लिए उपयोगी जरूरी हैं। हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति तक निःशुल्क उसके घर पर ही शिक्षा पहुँचाना है, हमारे इस कार्य में सहयोग करें। उम्मीद करता हूं आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, व्हाट डिड द ऑथर टेल अबाउट द बॉय ऑफ 14, लेखक ने 14 वर्ष के लड़के के बारे में क्या कहा है। द ऑथर सेड, लेखक ने कहा, अ बॉय ऑफ 14 इन द वर्स न्यू सेंस माने असुविधा, कि 14 वर्ष का लड़का सबसे बुरी असुविधा होता है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह ना तो सजाने योग्य होता है, नॉर यूजफुल और ना ही उपयोगी। इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के समान उस पर स्नेह की वर्षा करना भी असंभव ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिड फटिक ट्राई टू प्लीज हिज आंट, क्या फटिक ने अपनी मामी को खुश करने का प्रयास किया। वाई कुड ही नॉट डू सो, वह ऐसा क्यों नहीं कर सका। तो मित्रों जवाब है यस, फटिक ट्राइड मैनी टाइम्स टू प्लीज हिज आंट, हाँ फटिक ने कई बार अपनी मामी को खुश करने का प्रयास किया। व्हेनेवर सी आस्क्ड हिम एनीथिंग टू डू, जब कभी वह उससे कुछ भी करने को कहा करती थी, ही वाज सो ओवरजॉयड, वह इतना खुश हो जाता था, दैट ही ओवरडिड सो, कि वह उसको अत्यधिक किया करता था, सो ही गॉट एंग्री, और इसीलिए वह नाराज भी हो जाया करती थी। मित्रों मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाई गई वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, जब तक अपना अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक के लिए धन्यवाद।